मुंबई इंडियंस का, क्योंकि वो आप अच्छा देखो तो बिजनेस मेन बिजनेस चला रहा है, समझ रहे हैं? हाँ मुकेश अंबानी भी है या शाहरुख वही है, समझ रहे हैं? बाकी बहुत खान में बहुत से शाह कौन सा पसंद है आपको? अश्नीर ग्रोवर तो आपको पसंद आएगा वो क्योंकि तो आपको 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 नहीं। फंड मिला है। हेलो हेलो एंड वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ द एंटरप्रेन्योर टॉक्स पॉडकास्ट। टुडे वी हैव समवन स्पेशल विथ अस। ही टेल्स हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर। प्लीज वेलकम मिस्टर दीपेन बाराय, द डायरेक्टर ऑफ स्पीड फोर्स। वेलकम सर। थैंक यू। हाउ आर यू? फाइन फाइन। हाउ वाज द लास्ट वन ईयर फॉर यू? लास्ट वन ईयर कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा लास्ट बहुत ईयर। अच्छा। हाँ बहुत बहुत काम किया। इवन हाँ। पेंडेमिक ने तो बहुत सिखाया था। हाँ, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बहुत किया। वो मुझे ये जानना है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2012, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आप एक मैनेजर की पोजीशन पे थे, आपने वो पोजीशन लेफ्ट की। तो मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपकी लैक्स के अंदर जो सैलरी थी, ठीक है, सही है, वो सैलरी आपकी बंद हो जाएगी। आपको आपको पता था आपकी सेविंग्स होगी, वो सब है। बट हाँ, आपने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि नहीं जॉब छोड़ के फिर ही बिजनेस स्टार्ट करना है? क्योंकि अभी ये डायलेमा होता है लोगों के बीच में। बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सोचते हैं कि जॉब साइड में करूँ, उसके साथ बिजनेस चलाऊँ, या तो फिर पूरा जॉब छोड़ दूँ, या तो फिर फुल टू फुल ऑन फोकस बिजनेस के ऊपर ही करूँ। सही है। आप कौन सा आइडियोलॉजी फोकस करते हो? अभी देखो आप सपोर्ट करते हो? मैं सिंपल बताऊँ तो दो घोड़े के ऊपर सवार नहीं हो सकते, समझ रहे? तो बैलेंस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जॉब में आपको अलग चैलेंजेस है, अलग वहाँ पे प्रेशर वगैरह सब होता है। बिजनेस का अलग बैलेंस था। तो हमने बोला कि जब चालू ही करना है और आगे ही बढ़ना है तो भले थोड़े दिन कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि अच्छा सा जॉब था तो फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना, मतलब थोड़े दिन का कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन ये आगे का हमको देख रहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। मतलब आपको क्वेश्चंस तो पूछे ही होंगे ना घर वालों को कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आती है, वो सडनली बंद हो जाएगी, तो बहुत एक लाइफस्टाइल चेंज भी आ ही जाता है सही उसके बाद। सही है। तो वो आपने कैसे कन्विंस किया अपने घर वालों को कि नहीं लाइक ट्रस्ट करो मेरे ऊपर कि ये आइडिया चलने वाला है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत हर एक लोग के जब भी वो कोई भी एंटरप्रेन्योर मार्केट में कोई भी बिजनेस करने जा रहा है, कोई भी बंदा, तो उनको आते ही हो। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे एक लेवल का सेल्फ टारगेट लिया था। पहले तो क्या था, जब जॉब था तो जॉब में वो टारगेट ऊपर से आता था। हाँ। समझ रहे हैं? तो अभी बोला हमारा टारगेट हम क्रिएट करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इतने टाइम में पहुँचना है, और यहाँ तक इतना सेक्रीफाइस करना रेडी है, बरोबर। तो इवन कार नहीं चलाना, सेल्फ वो डिसिप्लिन वगैरह सब बहुत सारे ऐसे रूल्स हमने खुद के हमारे लिए बनाए कि वो फॉलो किए तो ऑटोमेटिक वो रिजल्ट दिखने लगा, और उन लोगों को भी पता चल गया, बीइंग ए फैमिली मेंबर्स उन सबको भी पता चल गया कि ये सीरियस है, समझ रहे? राइट। तो फिर वो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक ट्रस्ट आ जाता है। सही है, सही है। मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्रिकेटर क्रिकेटर और स्पेशली धोनी का फोटोज और हाँ सब है। धोनी बहुत पसंद है आपको? हाँ धोनी पसंद है एज आइडियल पर्सन। उसके अलावा जो उनका जो वर्किंग स्टाइल है, बरोबर, जिसे आपने वहाँ पे देखा भी होगा, बरोबर, हमारे यहाँ कि भाई प्रोसेस, बरोबर, प्रोसेस और जो SOP है उसके ऊपर आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक सक्सेस ही है। खेलते नहीं? मैं नहीं खेलता हूँ। नहीं, आप कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते? कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ मैं। देखते भी नहीं? देखते हैं, देखते हैं। मैं ये क्रिकेट देखता हूँ लिटिल बिट, टेनिस देखता हूँ। इवन क्या क्रिकेट है तो क्रिकेट में IPL ऑब्वियसली वो एक अलग लेवल का क्रेज होता है। उसमें मुंबई इंडियंस का, क्योंकि वो आप देखो तो बिजनेस मेन बिजनेस चला रहा है, समझ रहे? मुकेश अंबानी भी है। या वही है, समझ रहे? Nice. और उनका इवन ये लास्ट ईयर जो अभी हुआ है वो चेन्नई सुपर किंग का धोनी जीते, तो एक तो उसमें धोनी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? नहीं, ओके, करते हैं, हर एक जगह पे करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये जो नॉलेज है वहाँ पे सीखना कैसा होता है कि सीखना ऐसा होता है कि किस तरह से वो टीम कोच कैसे चला रहे हैं, वो सिचुएशन किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये सारी ये लर्निंग्स है। इवन मैं बात करूं हमारे कपिल भाई की, तो कपिल भाई तो कुछ वो मैसेज भी करते हैं ना, तो रिप्लाई में वो धोनी का कोई स्टाइल ही आता है। अच्छा। समझ रहा? अच्छा। यहाँ तक का फॉलो है उनका। ओ, नाइस। तो मैं ये मुंबई इंडियंस में पसंद कौन आपको क्रिकेटर?
सारे क्रिकेटर पसंद है किसी को एक प्लेयर बोलो अभी ये नहीं एक प्लेयर बोलो कौन पसंद है प्लेयर रोहित शर्मा ने अच्छा काम किया था लास्ट रोहित शर्मा ये एकदम वो बोले ना कि एक सीनियर प्रोफाइल होना चाहिए वैसा मुझे पूछना ये है कि यू आर थ्री पार्टनर यस वी आर थ्री हां तो डिसीजन के अंदर कोई ना कोई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते होंगे कि आपको जो करना है शायद से वो दोनों अग्री नहीं भी कर रहे और वो और ये होना भी चाहिए राइट तो वो ऐसे आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हो क्योंकि जब मेरी जब टीम थी लास्ट एक साल पहले मेरे साथ 6 या 7 लोग थे उसमें क्या हो जाता था कि मैं ऐसा सोचता हूँ अभी मैं जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया इन दिस लास्ट 6 months मेरा ईगो कहीं ना कहीं पे ओवर पावर कर जाता था मुझे लगता था कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते और ये बहुत लोगों को होता है ये बहुत कॉमन है तो हाउ यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यू नो इंटरेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जितने भी ये व्यूअर्स देखेंगे ना उसको भी ये लर्निंग है मैं आपको बताऊं मेरा उम्र है 47 इयर्स आज बरोबर कपिल भाई 38 के है सास अरे वो 62 के समझ रहे तो वो जो बैलेंस है ना वो सीनियर में होता है बरोबर तो वो हम एक तो वो यहाँ पे एक काम कर रहा है कपिल भाई का एक्सपीरियंस अलग लेवल का है मेरा एक्सपीरियंस अलग लेवल का है सासर का लेवल एक्सपीरियंस अलग लेवल का है तो वो तीनों का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बार बार आते हैं लेकिन हम क्या करते हैं बैठ के एक सॉल्यूशन निकालते हैं सब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि भाई ये है फिर हम एक टारगेट लेते हैं कभी कभार क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें कि मेरे को लगता है कि ये करनी ही चाहिए मैं आपको बताऊं इनिशियल स्टेज में जब ये हम छोटे से थे ये हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा था यानी हम 4-5 लोग काम कर रहे थे तब मेरे को लगता था कि वहाँ पे ये शो करना चाहिए वो शो करना चाहिए वो शो करना चाहिए तो वो बजटिंग के बाहर था लेकिन मैं बुलिश था तो वहाँ पे मेरे को ये बैठ के समझाते कि अभी ये बजट में तो इस तरह से काम करेंगे और इस तरह से और वो जो हमने वहाँ पे दोनों किया उनका जो एक्सपर्टीज था वो भी लगाया एज वेल एज मेरा मेरे को जो करना था वो भी हमने किया है और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है बहुत सारी जगह पे ऐसा है हमने कुछ ऐसा किया है कि जहाँ पे रिजल्ट अच्छा भी नहीं भी आया दूसरा क्या है हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरली डिफाइंड है कि सपोज फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट है या टेक्निकल है तो मैं उसको टेकन ही नहीं करूँगा समझे तो मेरा काम है नेटवर्किंग और सेल्स का तो मैं वहीं पे फोकस करूंगा फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट है काम में सबसे ज्यादा फ्रीडम है एग्जैक्टली तो मैं कहीं ना कहीं उनको जो डेवलपमेंट है वो पूरा अगेन वो कपिल भाई और सासर है टेक्निकल तो टेक्निकल हालांकि हम तीनों को सब कुछ आता है क्योंकि तीनों ने इनिशियल स्टेज में तीनों ने सब कुछ काम किया था लेकिन आज ये एक बैरियर रख दिया है कि ये काम मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा चाहे भले कुछ भी हो जाए समझ रहे तो वो एक ज्यादा ही इम्पैक्ट करता है और वो करना भी पड़ेगा क्योंकि अगर एज ए ऑर्गेनाइजेशन या एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ग्रो होना है तो आपको अपना जो जैसे आपने कैसे बताया भाई कि 6 महीने में मैंने अपना फोर्टे देखा भले ईगो आता है वगैरह सब आता है लेकिन एक लेवल का आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि मेरा ये यहाँ पे मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ तो उसको यूज करना है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट अगर मेरे पास एक आइडिया है मैं बिजनेस चालू भी करना चाहता हूँ मुझे कन्विक्शन भी है मेरे आइडिया के ऊपर बट कितने साल तक या तो फिर कितने टाइम तक मुझे पेशेंटली वेट करना है कि इतना टाइम तक तो करना ही है उतने टाइम तक तो मतलब भूल जाओ कि सक्सेस मिलेगा शायद से या तो फिर ऐसा सोच लो कि ये तो मेरे प्रिपरेशन के साल है कि ये मैंने बहुत फ्रेज सुना है कि एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको मैं बोलूंगा जितने भी एंटरप्रेन्योर और जिसको भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं या जो भी है आपको कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं या कोई भी आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और आइडिया को जब मार्केट में ला रहे तो मिनिमम आपको 1000 दिन देना है 1000 डेज टेक्नोलॉजी का जमाना है आप फैला सकते हैं बराबर जैसे अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर भी फैला सकते हैं आप 5 मिनट में बराबर लेकिन जो आइडिया को जो नर्चर होने में जो टाइम लगता है वो सालों से एक ही है समझ रहे कि 1000 डेज देना है आपको अगर दुकान में बैठ रहे हो या छोटी सी दुकान भी चालू कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 3 साल देना है तो वो 3 साल यानी 1000 दिन जो बोलते हैं वो एक अलग लेवल का एक मोटिवेशन वो सारी जो भी अप्स एंड डाउन है वो इन बिटवीन आ जाते हैं और उसके बाद ये फर्स्ट हो जैसे मैंने अगर मैं स्पीड फोर्स की बात करूँ तो हमने 16 में चालू किया 16-17 में बरबर आज 21 है आपके सामने ही रिजल्ट है ये 4th साल है हमारा समझ रहे जो हमने अगले 3 साल में काम किया उसे 300x जो ग्रोथ किया है वो लास्ट 1 साल 1.5 साल में हुआ समझ रहे तो ये अगेन वही है ये
पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा लोगों को, कि पहले आपको नहीं दिखेगा रिजल्ट इतना ज्यादा, बट ऐसे वो लाइफ का ग्राफ ना ऐसे जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता एकदम सच। वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो चालू कर दिया बट अभी मैं तो ऐसे 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 ही जाऊंगा, बट लाइफ ऐसे ऐसे जाती है एकदम सही है। वो कार्डियो की तरह ही चलती है, लाइफ का कार्डियो की तरह ही चलती है, लेकिन आपको बैलेंस करना है। मुझे ये पूछना है कि जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सक्सेसफुल बन जाता है, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए, उसके बाद क्या होता है कि आजू बाजू बहुत सारे यस मैन घूमने लगते हैं, कि आपको कुछ भी बोलोगे आपको हाँ बोलेंगे कि हाँ हाँ सर आपने बोला है ये, बट वो ग्रोथ बहुत हैम्पर करते हैं। तो वो आप कैसे हैंडल करते हो, कि आप कैसे एंश्योर करते हो कि यस मैन आपके आजू बाजू नहीं है? मैं जो भी होता है ना, तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को पहले बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यस मैन, जैसे आप बोलता है, लेकिन मैं बोला नहीं, तू मेरे को हटा देना फिर बोल, बरोबर। तो वो अंदर से बाहर आ जाता है जो भी चाहिए वो, समझ रहे हैं, रियल आंसर आ जाता है, समझ। उसी तरह अगर मैं बात करूँ तो मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत मैक्सिमम लोगों को, नए लोगों को मिलता हूँ, तो नए लोगों को मिलते हैं तो उसको आपके बारे में इतना नहीं पता होता, तो समझ रहे। तो वहाँ पे आपको जो रियल पिक्चर, अपना खुद का पिक्चर देखना, आईना देखना है तो वो दिखा सकता है, समझ रहे। मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बोलूँगा कि आप जो भी आइडिया है, स्टार्टअप है तो उनका आइडिया है, या आप जब बिजनेस में अंदर जाते हैं तो उसको डे इन डे आउट आपको बिजनेस का भी डेली नॉलेज या अभ्यास करना चाहिए, कि हम किस तरह से यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कि ये जो बिजनेस है ना वो बिजनेस बड़ा करता है, समझ रहे। आपका बिजनेस के बारे में आपकी सोच है ना, वो आप ऑटोमेटिक बिजनेस बड़ा कर देगी। शॉर्ट टर्म सोच कभी नहीं लगाना है, शॉर्ट टर्म सोच कभी नहीं लगाना है। पिक्चर कम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। तो टीवी पे आप क्या ज़्यादा देखते हो? सच्ची बोलूँ ना, तो अभी जो शार्क टैंक आया ना, वो शार्क टैंक चालू किया। अच्छा, बाकी बहुत बहुत कम। शार्क कौन सा पसंद है आपको? अश्निर ग्रोवर तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपको आपको फंड मिला है। नहीं नहीं, अश्निर भी अच्छा है, एज वेल एज अगर मैं बात करूँ तो सारे अच्छे हैं। हाँ। किसी का वो नहीं करना चाहिए, अलग 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 फील्ड में उन्होंने अलग अलग काम किया है। अगर मैं बात करूँ, आपकी एक प्रोफेशनल हैबिट जिसने आपको पर्सनल लाइफ में हेल्प की, एंड वन पर्सनल हैबिट जो जिसको आपने प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प की। प्रोफेशनल हैबिट की बात करूँ तो कमिटमेंट, वो मेरे को पर्सनल लाइफ में भी हेल्प किया इसमें। और पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो ये जो डिसिप्लिन है लाइफ का, सुबह का जो, अगेन मैं ये अगेन बात करूँगा योगा वगैरह का, वो डिसिप्लिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेल्प किया। वन इंडियन स्टार्टअप दैट अमेज यू द मोस्ट? इंडियन स्टार्टअप की बात करें तो डिलीवरी से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, क्योंकि उसने डिस्टर्ब कर दिया है। कौन सा? डिलीवरी जो ये लॉजिस्टिक में अलग लेवल का काम किया है डिलीवरी ने। अगेन ये सब है, भारत पे है, पेटीएम है। मैं बोलूँ ना, जैसे अगेन मैं बात करूँ, वहाँ पे अश्निर ने बोल रहा है कि मैं क्यूआर कोड लगा दिया है। तो वो हमने कि हमें टू बी वेरीफाई, अगर हम स्पीड पोस्ट की बात करें तो हमने भी वही किया है कि सर्विस तो हो ही रहा था, हमने उसको एक ऑर्गेनाइज में रख दिया है, ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। यस, राइट, बहुत बढ़िया यार। वन एंटरप्रेन्योर यू एडमायर द मोस्ट एंड व्हाई? हाँ, फेवरेट एंटरप्रेन्योर विजय शेखर शर्मा। उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो नारायण मूर्ति, जो अगर मैं स्कूल में था या कॉलेज में था वो टाइम की बात करूँ तो नारायण मूर्ति। फेवरेट कोट आपका, कौन सा आपका फेवरेट कोट है? गुजराती कोट है, थाय एटलू करिए, करिए एटलू थाय। कोई भी काम है ना, वो जितना आप कर सकते ना, या तो उतना हो सकता है, या तो जितना हो सकता है ना उतना आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन सबको बोल रहा हूँ कि था एटलू करिए, करिए एटलू था, समझ। वो करिए यानी जितना आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, बरोबर। और जितना हो सकता है, बरोबर, वो काम के ऊपर है, समझ। राइट राइट, थैंक यू सो मच दीपेन सर, थैंक यू। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय द एपिसोड, एंड आपको जो दीपेन सर ने सारी जो इतनी बातें बोली है वो आपको पसंद आई होगी, आप उसमें से कुछ सीखे होंगे। तो कमेंट में बताइए हमको कि कौन से आपके जो लर्निंग्स थे इस एपिसोड में से, दीपेन सर से आपने क्या सीखा, उनकी जर्नी से आपने क्या सीखा एज एन एंटरप्रेन्योर, उनमें आपको कौन सी अच्छी बातें लगी इस एपिसोड को देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ये एपिसोड को शेयर कीजिए, बिकॉज एंड इफ यू आर गुजराती देन डेफिनेटली शेयर कीजिए इस एपिसोड को,
क्योंकि ये बड़ौदा के अंदर से ये बिजनेस है जो 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे चला गया अभी, विच इज़ अ वेरी बिग बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो शेयर कीजिए इस चीज़ को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज हमारा मार्च तक का जो हमारा टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर का है। तो आप प्लीज़ हेल्प अस, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम भी ऐसे ही वर्क करेगा हमारे लिए। एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मुझे पूछना है कि कैसे एक बिजनेस आइडिया आइडेंटिफाई करना चाहिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो लोग उनको देखे कि ये बिजनेस आइडिया पे एक एक्चुअल में बिजनेस खड़ा हो सकता है कि नहीं, वो भी कैसे वो लोग टेस्ट कर सकते हैं।